भागलपुर से हवाई सेवा चालू कराने को लेकर नौगछिया में भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। भागलपुर से हवाई सेवा शुरू कराने के लिए जहां भागलपुर के लोग 32 दिनों से धरने पर बैठे हैं, वहीं उनका साथ देने के लिए 3 दिनों से नौगछिया के लोगों ने धरने पर हैं। वहीं इसका समर्थन भागलपुर कांग्रेस विधायक सह कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने किया है। नौगछिया पहुंचे अजीत शर्मा ने धरने पर बैठे लोगों का साथ दिया, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भागलपुर से न्यू ग्रीन फील्ड नीति के तहत हवाई सेवा शुरू करवाने की मांग की है। अजीत शर्मा ने कहा कि लगातार हम सदन में आवाज़ उठा रहे हैं, भागलपुर में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हवाई सेवा की ज़रूरत है। हर हाल में यहां से हवाई सेवा शुरू करवा कर रहेंगे। केले और मक्के की खेती यहां वृहद पैमाने पर होती है, उसको बढ़ावा देने के लिए यहां से हवाई सेवा ज़रूरी है। 25 से 30 सीटर से नहीं बढ़े हवाई सेवा की ज़रूरत है। भागलपुर से श्यामानंद मेरी बड़ी खुशी की बात है कि हम सदन में 6 वर्षों से करीब 10 से 11 बार आवाज़ उठा चुके हवाई सेवा के लिए, लेकिन जब भागलपुर की जनता भी आंदोलन करना शुरू की, नौगछिया अनुमंडल के लोग भी आए, तो अब लगता है कि भागलपुर के एक एक प्रखंड में यह आंदोलन होगा और सरकार को झुकना पड़ेगा। चूंकि 25-30 साल पहले हवाई सेवा यहाँ चलती थी, सिर्फ ये हवाई सेवा 25-30 सीटर से काम नहीं चलेगा, यह तो शुरू करा के ही रहेंगे जनता के ताकत पे, लेकिन बड़ा हवाई सेवा एक्वायर करके, चाहे गौराडी में गौशाले की जमीन हो या जहाँ भी जमीन एक्वायर करके, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है और बिहार में भी एनडीए की सरकार है, चाहे तो कभी भी हो सकता है। और मैं चाहूँगा कि हमने आवाज़ उठाई और जनता जगी है, निश्चित तौर पर बड़ा हवाई सेवा भी चालू होकर रहेगा। हवाई सेवा सिर्फ चलने के लिए नहीं होता, यह उद्योग लगने के लिए है। ये किसान का इतना मजबूत है, गेहूँ, मक्का, केला, लीची सारा यहाँ उपज होता है, सरसों। जब उद्योग लगेगा तो वहाँ पर कल कारखाने खुलेंगे तो किसानों को सही कीमत मिलेगा और उसके बच्चे बच्चियों को नौकरी मिलने काम करेगा। भागलपुर में सिल्क नगरी पूरे विश्व में जाना जाता था, आज बर्बाद हो चुका है। अगर हवाई सेवा शुरू होता है, फिर से सिल्क उद्योग पूरे विश्व में जाना जाएगा और यहाँ भागलपुर की तरक्की होगी। रहा आज देखा कि उपराजधानी ये लोगों को लिख के रखा है, यह भी मेरा सदन में आवाज़ था कि भागलपुर सबसे आर्थिक रूप से पटना के बाद व्यवस्थित है, इसलिए इसको राजधानी बनाना चाहिए और नौगछिया को भी जिला बनाना।